Hello everyone, today we are going to discuss the question answers of chapter number 7, Importance of Water. This is class 5 science. Now let's read out the questions given. Question number D is, answer the following questions. In brief, small mein likhna, just in a sentence or two sentence. Number 1 is, name any two water bodies that exist on earth. दो वाटर बॉडीज जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, ऐसी तो बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं, लेकिन दो का ही नाम पूछा तो हम दो का ही लिखेंगे. आंसर विल बी, वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड सीज एग्जिस्ट ऑन अर्थ. नंबर 2 इज, व्हाट आर एनिमल्स लिविंग इन वाटर नोन एज. राइट नेम ऑफ टू सच एनिमल्स. आंसर इज, एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. Fish and whale are the example of aquatic animals. Third number is, what are amphibious animals? Amphibious animals वो animals होते हैं जो कि land पे भी रहते हैं और water में भी रहते हैं. तो answer हम इस तरह से लिखेंगे. Answer, animals like frog, turtle and crocodile lives both in water and on land. Such animals are called amphibious animals. Number 4 is, write names of 4 aquatic plants. The 4 aquatic plants are, answer is, water lily, lotus, duckweed and hydrilla. Water lily, lotus, duckweed and hydrilla. इसकी spellings भी easy है, pronunciation भी easy है, इसको आराम से आप लोग याद कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये चार नाम छाट करके दिया है कि easy to read and easy to learn are the names of 4 aquatic plants. Now question number 5 is, how do plants absorb water from the soil? Plants soil से water कैसे absorb करता? With the help of their roots. Roots से, ये तो हम class 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Class 3 में भी पढ़ा, 4 में भी पढ़ा, 5 में भी वही चीज़ पढ़ रहे हैं. Plants absorb water from the soil with the help of their roots. Now the last question of question number D is number 6. State 2 common methods of drawing out ground water. ग्राउंड वाटर निकालने का दो मेथड बताना है. आंसर विल बी, ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय यूजिंग ट्यूब वेल्स एंड आल्सो फ्रॉम अ वेल. वेल से और ट्यूब वेल से. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1 इज, बिसाइड्स इट्स डोमेस्टिक यूजेस, स्टेट 3 यूजेस ऑफ वाटर. डोमेस्टिक यूज़ के अलावा और कौन से 3 यूज़ हैं वाटर के. आंसर, नंबर 1, वाटर इज़ यूज फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. वाटर इज़ हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. वाटर बहुत सी प्लांट्स और एनिमल्स का घर है. प्लांट्स और एनिमल्स वहीं रहते हैं, दे आर, दैट्स द हैबिटेट. नंबर 3 इज़, वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. Now let us see question number 2. How does water helps in excretion of waste material from animal bodies? Answer will be, the nutrients present in food get dissolved in water and helps in absorption of nutrients. Animal bodies also produce waste materials and some of these waste get dissolved in water and are excreted in the form of urine. In case you have not gone through the explanation part, I have given it in the link, I button. I button पे आप क्लिक कीजिए. I button में इस chapter का जो explanation वाला video है वो आपको मिल जाएगा, और description में आपको पूरा playlist मिल जाएगा. तो आपको जो कोई भी videos चाहिए तो playlist से आप आराम से देख सकते हैं. और अगर आप पहली बार ये video को देख रहे हैं तो ज़रूर आप channel को subscribe कर देंगे और bell icon को press कर देंगे. Okay? And also give a thumbs up to the video. एक like तो बनता है. नंबर 3, लिस्ट एनी 4 वेज इन विच वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, ये उसके 3 वेज बताने. कितने? 4 वेज बताने हैं. 4 तरीकों से कैसे वो इम्पॉर्टेंट है. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स इन मैनी वेज. 4 पूछा है, 4 लिखेंगे. प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रॉपर ग्रोथ. Plants need water for germination.
प्लांट्स नीड वाटर फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. वाटर इज हैबिटेट फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन ग्राउंड वाटर बी ड्रॉन आउट थ्रू ट्यूबवेल्स. ट्यूबवेल से ग्राउंड वाटर कैसे निकाला जा सकता है, क्या प्रोसेस है उसका, किस तरह से निकालते हैं, उसका आंसर देना है आपको. योर आंसर विल बी इन अ ट्यूब वेल अ लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इन टू द ग्राउंड वेयर इट डिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल. वाटर इज देन ड्रॉन अप बाई यूजिंग अ हैंड पम्प और एन इलेक्ट्रिक पम्प. वॉट इज़ अ स्टेप वेल. स्टेप वेल क्या है? स्टेप वेल बहुत पहले हुआ करता था, आजकल तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है. देखते हैं इसका आंसर क्या है. अर्लियर पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम बाउलीज और स्टेप वेल्स. अ स्टेप वेल इज अ वेल हैविंग स्टेप्स ऑन द साइड्स ऑफ द वेल. इसमें स्टेप वेल में वेल के जो साइड्स में स्टेप्स बने हुए होते हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं, जिससे कि औरतें नीचे जा कर के पानी ले सकती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. हाउ इज वाटर सप्लाइड इन सिटीज. आंसर देयर आर वेल प्लान्ड वाटर सप्लाई सिस्टम दैट सप्लाई वाटर टू होम्स एंड ऑफिसेस इन द सिटीज. इन सच सिस्टम द रिवर वाटर इज यूजुअली प्यूरिफाइड बाय अ सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग. This purified water is then sent through a network pump and through a network of pumps and pipes. Here off छूट गया है, off आप लिख दोगे. Through a network of pumps and pipes. And if you want like fill in the blanks वाले questions का video चाहिए या फिर value based का question का video चाहिए तो आप मुझे ज़रूर comment section में बताइए कि ये videos आपको चाहिए, तो so that I'll provide you. ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन. हैव अ गुड डे अहेड एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो.